वेलकम बैक टू जिना स्टेडियम गुजरांवाला, जहां ट्रिपल एसओसीएस स्मार्ट फोर चैंपियंस लीग का पहला एलिमिनेटर खेला जा रहा है। राइजिंग ज़ेब्रास नीड 84 रन्स टू विन दिस मैच इन 6 ओवर्स एट 14 रन्स पर ओवर। कदरे छोटा टारगेट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैच है, क्रूशियल मैच है, नर्व्स होंगी तो हिसाब से दोनों ही टीमों को अच्छा खेल पेश करना होगा। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद यंग एंड टैलेंटेड जुबैर अब्बासी। जुबैर, हम यही बात कर रहे थे कमेंट्री के आगाज से पहले कि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बनाना है। अब बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा राइजिंग ज़ेब्रास के बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और जल्लाद खान के पहले दो ओवर जो होंगे उनके वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज के दिन। और यहाँ पर खुरम चकवाल एंड कंपनी को जान लगानी होगी। टोटल कदरे हाल बेहतर है, और मैंने आप पहले कहा था नीचे मिशा को कि टोटल 80-90 अगर टोटल हुआ तो फाइटिंग एक मैच देखने को मिलेगा आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ईगल आइज़ की टीम है उनके पास अच्छे क्वालिटी बॉलर्स मौजूद हैं, जैसे जल्लाद खान का आपने जिक्र किया। कल भी उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया, उनके दो ओवर्स की बदौलत उनकी टीम इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुई और मैच जीत कर फिर वो एलिमिनेटर्स तक आए। और ये ओपनर दोनों बल्लेबाज मुख्तियार चचर, क्या शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, और साथ दे रहे हैं अरसलान अच्छी बात सिक्सर मशीन। हमने बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखा है मुख्तलिफ टीमों की जानब से, लेकिन ये राइजिंग ज़ेब्रास के लिए जिस तरह अभी तक एज ओपनर्स परफॉर्म करते आए हैं ज़ुबैर, इन दोनों की वजह से राइजिंग ज़ेब्रास इस पोजीशन में है। और अगर आज इन दोनों का बल्ला चलता है तो दिस स्कोर वुड बी अ पीस ऑफ केक। अगर इन दोनों में से कोई आउट हो जाता है या दोनों आउट हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। बिल्कुल, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जल्लाद खान किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं इन दोनों मायानाज बल्लेबाजों के सामने। और मुख्तियार चचर से इनका ताल्लुक है और टेप बॉल के हाई प्रोफाइल बल्लेबाजों में इनका शुमार होता है। बहुत शोहरत हासिल की है अपने छक्के और चौकों की वजह से, लोगों के दिलों में जगह बनाई है मुख्तियार चचर ने। और अरसलान अच्छी बट, क्या कमाल की शख्सियत और उतने ही ज़बरदस्त बल्लेबाज। और ज़ुबैर, हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये बात भी करते आए हैं कि हमें टेप बॉल क्रिकेट में भी दोनों स्टाइल ऑफ प्ले नज़र आते हैं, कन्वेंशनल क्रिकेटर्स भी नज़र आते हैं, टेप बॉल स्पेशलिस्ट भी नज़र आते हैं, और ये जोड़ी इसकी जीती जाती मिसाल है, क्योंकि अरसलान अच्छी बट काफ़ी कन्वेंशनल स्ट्रोक्स खेलते हुए नज़र आए हैं हमें। दूसरी जानब मुख्तियार हैं जो एक प्रॉपर टेप बॉल क्रिकेटर हैं, कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कदम बिल्कुल नहीं हिलते हैं, ज़्यादा अपने आप को रूम देने की कोशिश नहीं करते हैं, खड़े खड़े छक्के मारते हैं। टेप बॉल क्रिकेटर्स की खासियत है ये। बिल्कुल दानिश, आपने इन दोनों बल्लेबाजों के बारे में बताया, और जल्लाद खान के बारे में आपको बताऊं, हाल ही में ZCC की तरफ से खेल के हैं, हार्ड बॉल क्रिकेट काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है इनकी बॉलिंग में, पेस बहुत अच्छा हो चुका है अब जल्लाद खान का, और इस टूर्नामेंट में नज़र आया है जल्लाद खान उनका पेस एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा। और देखना होगा यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं आज के दिन। मुख्तियार और अरसलान अच्छी बट इस वक्री से मौजूद, बॉल कराएंगे जल्लाद खान अपनी टीम के लिए। जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर, 84 रन्स टू विन फॉर राइजिंग ज़ेब्रास, और अगर ये मैच जीत गए तो एलिमिनेटर 2 खेलेंगे केपी के टाइगर से। ज़ुबैर, F16 जल्लाद खान, स्पीड स्टार ऑफ लैया, शॉर्ट पिच बॉल के साथ, खतरनाक इरादों के साथ यहाँ पर आगाज किया है जल्लाद खान ने अपनी बॉलिंग का। और ये डग आउट राइजिंग ज़ेब्रास का, मुख्तियार चचर सिंध से इनका ताल्लुक है, और ये रिप्ले शॉर्ट पिच बॉल करना चाहते थे, थोड़ा सा यहाँ पर लाइन पर कंट्रोल ना रख पाए जल्लाद खान। एक बार फिर से F16, इस दफा बहुत उम्दा बॉल, लाइक अ ट्रेसर बुलेट, इसे कहते हैं स्पीड स्टार ऑफ लैया जल्लाद खान। What's more impressive about Jallad Khan is के पेस तो है ही इनकी अच्छी, लेकिन फिर दिमाग भी है इनके पास, दो बॉलें पेसी करते हैं, फिर वेरिएशन लेके आते हैं, अपनी लेंथ को लाइन को भी वेरी करते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन को सेटल होने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, अगर इस तरह की बॉलिंग करते रहे जल्लाद खान तो फिर खुरम चकवाल को कोई परेशानी नहीं होगी इस मैच को जीतने में। Here we go, once more time, जल्लाद खान F16, स्पीड स्टार ऑफ लैया बॉल करेंगे इस वक्त मुख्तियार चचर फ्रॉम सिंध। इस दफा थोड़ी सी वेवर डिलीवरी की थी और लाइन पर कंट्रोल नहीं था, दाद देनी पड़ेगी यहां पर हाफिज आकिब को। अगर ये बॉल छोड़ देते तो फिर यकीनी तौर पर बाउंड्री की तरफ ये बॉल जाती।
राइट, जल्लाद खान का आइडिया कुछ ठीक है बट एग्जीक्यूशन में हल्का सा चूक हो रही है उनसे, क्योंकि जल्लाद खान अगर लेग स्टंप पकड़ के रखते हैं और रूम के लिए क्रैम्प करना चाहते हैं मुख्तियार को, दैट साउंड्स लाइक अ गुड डील। जल्लाद खान को यहाँ पर लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखना होगा अगर यहाँ पर मुश्किलात में डालना है मुख्तियार चचर को। गलत बॉल करेंगे तो माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने देखा है जहाँ मौका मिलता है मुख्तियार चचर को और बॉल को दिखाते हैं बाउंड्री का रास्ता। इस्तीफा, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, फील्डर इज हियर, लेकिन वो सिर्फ बॉल को देख सकते हैं और बॉल जाएगी डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री से बाहर, एक ऊंचा लंबा और फलक शिकाफ छक्का। बिल्कुल लेग स्टंप पे जड़ों में बॉल था और उसको मेरली फ्लिक किया है। The six was brought to you by Triple A Associates, and what a six it was! Just a flick of his legs, and went over the boundary line. Wow, wow, what a shot! Absolutely brilliant. Mukhtiyar Chachar, naam hai Tamat ka. Samna karenge is vakte. Jallad Khan. F16. इस दफा पर पिच बॉल, फील्डर इज हियर, लेकिन वो सिर्फ इस बार भी वो सिर्फ बॉल को देखेंगे और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। टिपिकल टेप बॉल टेक्निक दिखाई है यहाँ पर मुख्तियार ने, जड़ों में बॉल था और उसको स्लाइस किया छह हासिल करने के लिए, और क्या जबरदस्त कंट्रोल के साथ स्लाइस किया है कि उनको एलिवेशन भी मिला, वरना वहां पर फील्डर मौजूद था। येट अनदर सिक्स ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स, ये देखें स्लाइस करते हुए नजर आए। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर मुख्तियार चचर की जानिब से। मैंने आपको पहले कहा था दानिश, गलत बॉल करेंगे तो फिर माफ़ी नहीं है जल्लाद खान के लिए। बेशक आप पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करते आए, लेकिन ये वो मौका है जहां आपने खुद को मनवाना है। हाफिज आकिब इस वक्त सुल्तान राही वाला अग्रेशन दिखा रहे हैं जल्लाद खान को, और शायद उनकी लेंथ से खुश नहीं है। पहली दो बॉलें बड़ी अच्छी पक्की की थी उन्होंने, रूम के लिए क्रैम किया था। देन अगेन इस फॉर्मेट में जुबैर बॉलर वेरिएशंस दिखाता है, क्योंकि उसके बगैर बैट्समैन आपको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल दानिश, और ये 14 आ चुके हैं तीन बॉलों पर, सोचना होगा यहाँ पर जल्लाद खान को मुख्तियार चचर के खिलाफ। इस दफा उमदा बॉल, ये वो लाइन है जहाँ पर बॉल करना चाहिए जल्लाद खान को। वैसे बाहर तो लेग स्टंप की लाइन लगती है, लेकिन मुख्तियार को हाथ खोलने का मौका नहीं देना आपने। ऐसा लगता है कि कुछ इसी किस्म की स्ट्रेटजी बना के आई है आज ईगल आईज की टीम के, मुख्तियार को यहां फंसाना है। मुख्तियार चचर से इनका ताल्लुक है, और जब इनका बल्ला चलता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। दो छक्के लगा चुके हैं इस ओवर में, इस ओवर की दो बॉलें मजीद बाकी हैं। यहाँ पर देखना होगा जल्लाद खान इसी तरह का कमबैक करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। Things are still under control. 14 runs एक ओवर में टेप बॉल क्रिकेट में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन दो बॉलें अभी भी बाकी हैं। पांसा पलट सकते हैं मुख्तियार यहाँ पर, क्या करेंगे जल्लाद? Once about time. इस दफा यहाँ पर along the ground खेले, फील्डर यहाँ पर मौजूद हैं, और इस दौरान सिर्फ सिर्फ मजीद एक रन पर इतफाक करना पड़ेगा। बेहतरीन बॉलिंग, अच्छा कम बैक यहाँ पर जल्लाद खान की जानिब से। तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, सिला जाने खुदा जाने। क्या बात है जी, ये नन्हे सुपरस्टार भी यहाँ पर बल्ला हाथ में लिए खड़े थे, और कुछ सालों बाद इनको भी एक्शन में देखेंगे आप। और टेप बॉल क्रिकेट को अगर इसी तरह तवज्जो मिलती रही तो और भी लोगों का दिल बड़ा होगा, और भी लोग इंटरेस्ट जाहिर करेंगे कि वो भी ऐसे टूर्नामेंट्स में शिरकत करना चाहते हैं। अपने ओवर का यहाँ पर आखिरी बॉल करेंगे जल्लाद खान, स्पीड स्टार ऑफ लैया, सामने सिक्सर मशीन, अरसलान अच्छी बात, हियर वी गो। इस दफा उमदा बॉल, लाइक कट ट्रेसर बुलेट, तोप का गोला था यहाँ पर जल्लाद खान की जानिब से, मौका नहीं दिया इस दफा अरसलान अच्छी बात को बड़ा शॉट खेलने का। क्या तीखा बाउंसर कराया है जल्लाद ने, आफ्टर 1-16 फॉर नो लॉस। और जिस हिसाब से यहाँ पर बॉले गुम होती हैं, बॉल्स पर टेपिंग होती रहती है, कोशिश की जाती है कि बॉल को ज़्यादा टाइट टेप ना किया जाए, वरना बॉल का शेप तब्दील हो जाता है और एक ही लेयर चढ़ाई जाए, जितना कम टेप बॉल पर लगे उतनी बॉल लाइट रहती है, वरना कभी कभी ज़्यादा टेपिंग हो जाए तो बॉल हार्ड भी हो जाती है। और यही वजह है कि ये बल्लेबाज हर बार बॉल को चेक करते हैं, खासतौर पर जब नई बॉल आती है तो।
ये वो रिप्ले, सर के ऊपर यहाँ पर बॉल लगा, बहुत उम्दा बॉल था जलाद खान का, तेज रफ्तार बॉल। इवन तो टेप बॉल कदरे हल्की होती है लेकिन इस पेस पे आए तो लगती बड़ी ज़ोर से है, और इंजरीज भी होती हैं टेप बॉल क्रिकेट में, ख़ासकर अगर ये बॉल नाक पर या आंख पर लग जाए, या मैंने इवन होठों से खून आता देखा है। और इस बार पुल किया अरसलान अच्छी बट ने, लेकिन टॉप एज लगा और वो आउट हो गए हैं। पहला नुकसान हो चुका है यहां पर राइजिंग सेवराज को अरसलान अच्छी बट की सूरत में। रिप्ले आपने देखा, टॉप एज लगा, अरसलान अच्छी बट कनेक्ट नहीं कर पाए और कीपर ने कैच पकड़ा। अरसलान अच्छी बट आउट फॉर जीरो, राइजिंग ज़ेब्रास अब मुश्किलात का सामना करेंगी। उमर गुजर स्टार ऑफ गोजरा अब बल्लेबाजी के निशान पर होंगे मौजूद। टेप बॉल के हाई प्रोफाइल ऑलराउंडर्स में शुमार होता है उमर गुजर का। बिल्कुल, ही इज टॉल, ही इज स्ट्रॉन्ग और बहुत लंबे लंबे छक्के लगाती हैं उमर गुजर, और अभी तक का उस फ्री फ्लोइंग अंदाज में हमने इनको देखा नहीं है, लेकिन जब भी इनका बल्ला चला है बहुत दूर तक जाती है बॉल जुबैर। बिल्कुल दानिश, यहाँ पर देखना होगा मुख्तियार चचर आज बॉलों को सिंध पहुँचाएंगे कि नहीं। बहुत ज़रूरी है मुख्तियार के लिए यहाँ पर खेलना, क्योंकि अरसलान अच्छी बट आउट होकर वापस जा चुके हैं और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी मुख्तियार को, यहाँ पर साथ देना पड़ेगा उमर गुज्जर का। अहमद कुल्फी, बहुत उम्दा बॉल यहाँ पर अहमद कुल्फी का, बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला, दाद देना यहाँ पर बनता है अहमद कुल्फी को। पूरे टूर्नामेंट में किसी बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया अहमद कुल्फी ने, क्या कमाल की बॉलिंग यार। बिल्कुल, रिप्ले में आप देखिए बॉल पड़ के बाहर की तरफ गया, थोड़ा सा हल्का सा अपनी रिस्क के साथ बॉल को स्विंग करने की कोशिश करते हैं अहमद कुल्फी। वी कैप टॉकिंग अबाउट जल्लाद खान जुबैर, अहमद कुल्फी का तो हम जिक्र करना ही भूल गए, क्योंकि ये लीडिंग विकेट टेकर हैं अभी तक, ना सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि इस टूर्नामेंट में, और इनको रेड कैप भी मिलेगी। एक बार फिर से अहमद कुल्फी, इनका तल्लुक भी गुजरांवाला से है, और चेंज ऑफ पेस की बात की जाए, स्पीड की बात की जाए, तो हर शोबे में कमाल रखते हैं। बहुत उम्दा बॉल, इस दफा बॉल पड़ने के बाद नीचे रहा, इसे कहते हैं एतमाद का नाम अहमद कुल्फी। वाओ, व्हाट अ बॉलिंग! और यही वेरिएशंस हैं अहमद कुल्फी की जिनको वो आजमाते आए हैं और बैट्समैन को चकमा देते आए हैं। आप देखें, ये भी क्रेडिट अहमद कुल्फी को जाता है, उन्होंने पुश किया इस बार, उन्होंने बॉल को पटका नहीं, मेड श्योर कि उनको बाउंस ज़्यादा ना मिले, बॉल स्किट करके जाए, रिसीव किया बैट्समैन को। मुख्तियार चचर को यहाँ पर सोचना होगा अहमद कुल्फी के खिलाफ, और अहमद कुल्फी खुरम चकवाल यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं हर एक बॉल के बाद। स्कीपर आज बहुत एनर्जेटिक हैं और उनकी कोशिश है कि इस मैच को जीता जाए, और मोस्ट विकेट्स इस टूर्नामेंट में अहमद कुल्फी 6 विकेटें ले चुके हैं, ज़ेबियुल्ला 5 विकेटें ले चुके हैं, सनम इकबाल 4। बहुत उम्दा बॉल, लाइक अ ट्रेजर बुलेट, अहमद कुल्फी, वाओ। आप देखें जुबैर, यहाँ ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं अहमद कुल्फी मुख्तियार को, पहला बॉल बाहर था, दूसरा बॉल थोड़ा और अंदर था, तीसरे बॉल को और आगे लेंथ वाइज पुश किया, और हल्का सा इन कटर भी था जिसकी वजह से मुख्तियार मिस कर गए, सेटल होने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक्सेप्शनल बॉलिंग यहाँ पर अहमद कुल्फी की जानिब से, क्या ये पहला मेडन होगा? दानिश जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है अहमद कुल्फी यहाँ पर धाक बिठा रहे हैं गुजरांवाला स्टेडियम में, और गुजरांवाला के फैंस का यहाँ पर दिल जीत रहे हैं।
16 स्कोर है, एक विकेट गिरी है यहाँ पर राइजिंग ज़ेब्रास की। मुख्तियार चचर थोड़े से परेशान ज़रूर होंगे अब अहमद कुल्फी के सामने। या बट इसमें मुख्तियार चचर बॉल मिस तो कर रहे हैं, बट क्रेडिट अहमद कुल्फी को जाता है कि वो उनसे बॉल मिस करा रहे हैं। चालाकी का मुजाहरा कर रहे हैं अहमद कुल्फी, क्या करेंगे अब की बार। इस दफा ब्लॉक हॉल में किया था बॉल और रे बड़ा शॉट खेलने का यहाँ पर मौका बिल्कुल नहीं दिया आया मुख्तियार चचर को। अहमद कुल्फी की बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम अल्फाज कम पड़ जाते हैं अहमद कुल्फी की तारीफ करने के लिए। बिल्कुल, मुख्तियार एक बार फिर बॉल चेक करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बॉल का मसला है, बट मुख्तियार साहब अहमद कुल्फी को क्रेडिट जाता है, वो कमाल बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। उमर गुज्जर क्या बेहतर अंदाज में कुल्फी को डिस्पैच कर पाएंगे। पांच बॉलें बहुत यहाँ पर तगड़ी की हैं अहमद कुल्फी ने और मोस्ट विकेट्स लीडिंग विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के अहमद कुल्फी, 7 विकेटें ली हैं उन्होंने और ज़ेबियुल्ला 5 विकेटें ले चुके हैं, सनम इकबाल 4 विकेटें, मेहरू मरी 3 विकेटें ली और तैमूर अली की 3 विकेटें। मेहरू मरी को विकेटें कम मिली हैं लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत एक्सेप्शनल कराई है, बिकॉज टेबल क्रिकेट में मैटर करता है कि आप रन कम से कम दें। ओवर का आखिरी बॉल, बहुत उम्दा बॉल, इसे कहते हैं अहमद कुल्फी द नेम ऑफ क्लास, वाओ। और यहां पर दो ओवर के इख्तिताम पर स्कोर का मजमा जा पहुंचा 17 एक विकेट के नुकसान पर। क्या शानदार दूसरा ओवर कराया है अहमद कुल्फी ने, एक विकेट भी हासिल किया और सिर्फ एक रन दिया है। बिल्कुल टेप बॉल क्रिकेट में एक रन बहुत ही वैल्यूबल ओवर था अहमद कुल्फी का। खुर्रम चकवाल वुड बी रियली हैप्पी। साइडलाइंस पर मौजूद हैं इस्मा असलम और उनके साथ कौन है ये आपको पता चलेगा। ओवर टू यू इस्मा। थैंक यू सो मच दानिश, और दानिश ने कहा कि मेरे साथ कोई मौजूद है, मेरे साथ जो मौजूद है उनकी आवाज़ तो आप सुनते रहते हैं लेकिन मैं आपको तस्वीर भी दिखा रही हूँ। ज़ुहैब इखलाक मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। मज़ा आ रहा है टूर्नामेंट का? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है ना। कल के जो मैचेस में तो बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। जी बिल्कुल, और जानना चाहूँगी कैसे शुरू किया, कैसे एक्सपीरियंस रह रहे हैं और कैसे इस फील्ड में आए आप? बस लास्ट ईयर कोविड जब हुआ, क्रिकेट ज़्यादा हुई, टेबल क्रिकेट ज़्यादा हुई, तब से मोबाइल के पीछे से ब्रॉडकास्टिंग शुरू की, तो अब जियो सुपर पे लाइव स्ट्रीम हो रहा हूँ तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और खुश भी। अच्छा मुझे ये बताया ना, घर पे कौन कौन देख रहा होगा आपको? घर पे ऑब्वियसली अम्मी अबू स्पेशली देख रहे हैं, बहन भाई सारे देख रहे हैं। ये ज़ुहैब इस बॉल को खेला था अच्छा और कैच चांस था जिसको ड्रॉप किया फील्डर ने, और एक इम्पॉर्टेंट विकेट थी ये मुख्तियार चचर की जिसको जाया किया है खुर्रम चकवाल एंड कंपनी ने। ज़ुहैब यार इतनी बुरी फील्डिंग क्यों करते हैं ये लड़के, प्रैक्टिस नहीं करते हैं? क्योंकि टेप बॉल में मुझे लगता है बस छक्के चौके मारने पे और बॉलिंग करने पे ध्यान देते हैं, लड़के प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज वो तो दिख ही रहा है इनकी जो फील्डिंग है उससे। बिल्कुल इसमें एक तो नाइट क्रिकेट है, बहुत कम होती है टेप बॉल, नाइट क्रिकेट ज़्यादा डे में खेला जाता है, दूसरा कैमरे के सामने है और प्लेयर्स की उस तरह प्रोफेशनलिज्म अभी तक प्लेयर्स में नहीं आया, तो अभी माशाल्लाह से पहला इवेंट है, जब नेक्स्ट इवेंट पे जाएंगे प्लेयर्स अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। अच्छा, उन पे तो है कैमरे का प्रेशर, आप पे है कोई कैमरे का प्रेशर? सच नहीं है लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन थोड़ा बहुत है लेकिन उस तरह से नहीं है। सही, यहाँ कल जब मैं बात कर रही थी हाफिज आकिब पोला से तो उन्होंने यही कहा था कि जो लड़के अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह कैमरा प्रेशर, और ज़्यादा जब आपको इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, आप पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, तो प्रेशर तो बिल्ट होता ही है। टेप बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, आपने मुझे बताया अभी जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अरसलान जो हैं वो बेस बॉल प्लेयर हैं, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि सरप्राइजिंग तो था लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो बेसबॉल और जो टेप बॉल क्रिकेट है वो एक तरह से सेम ही है, क्योंकि जी हाँ इस बॉल को शॉर्ट पिच डिलीवरी थी जिसको खूबसूरती के साथ पुल किया और पहुँचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। क्या बात करी थी मैं, बेसबॉल के बारे में बात करी थी, तो मैं मुझे ये जो मैंने मैंने ऑब्जर्व किया है कि बेसबॉल में भी आपको सिर्फ पेस देखनी है और टाइमली आपको शॉट लगानी है, और इसमें भी ऐसा ही है, कोई टेक्निक इतनी खास नहीं है, बस रिस्ट घुमाते हैं और छक्का हो जाता है। जी बिल्कुल, अरसलान अच्छी बट जो है वो
इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर हैं और टेप बॉल में भी आपने ज़्यादातर देखा होगा फुटवर्क इतना होता नहीं है, जस्ट स्लॉगिंग ही है। तो अरसलान अच्छी बट काफ़ी अच्छे टेप बॉल प्लेयर है, जैसे उन्होंने बेसबॉल खेली टेप बॉल में भी इंट्रोड्यूस करवाया खुद को और काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हैं। जुहेब, हमने देखा था ईगल जाए में एक बॉलर थे जुबैर कटर जिनका नाम था, बाबर कटर जिनका नाम था सॉरी, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, लेकिन आज के मैच में वो नहीं है। आप दोस्त हैं इन लड़कों के साथ, तो बता सकते हैं कि आज के मैच में क्यों नहीं खेल रहे वो? जी, बाबर कटर एक्सेप्शनल बॉलर हैं और लास्ट नाइट उनको इंजरी हो गई थी कमर की दर्द की वजह से, वो ये मैच नहीं खेल रहे और मेरे ख्याल से आने वाले जो एक दो मंथ है वो क्रिकेट टेप बॉल से आउट रहेंगे। एक और बॉल शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी जिसको डिपॉजिट करना चाहते थे बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन नाकाम रहे। जुहेब, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है, 84 का टारगेट चाहिए और उसी लिहाज से बॉलिंग की जा रही है, रन उतने नहीं दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और अभी पिछला ओवर आपने देखा अहमद कुल्फी का और टॉप विकेट टेकर हैं और पिछले तीन मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नाम भी उनका अहमद कुल्फी है और दूसरी टीम बैटिंग लाइनअप को भी उन्होंने ठंडा ही रखा है। सही है, छक्के चौके नहीं मारने दे रहे, ठंडा से ही आपने जेब में बड़ा ज़बरदस्त वर्ड यूज़ किया कि ठंडा रखा हुआ है। एक तो वो अपनी बॉलिंग की वजह से मशहूर है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरा उनका नाम बड़ा मज़े का है, जुहेब मतलब कुल्फी। जुहेब कुल्फी क्यों लगता है आपको, नाम क्यों पड़ा होगा? सही है, हमने बहुत देखे हैं किसी का नाम यू नो उनके शहर के नाम से है, जैसे फहद मियाँ चन्नू हैं तो वो मियाँ चन्नू से बिलोंग करते हैं तो उनका नाम फहद मियाँ चन्नू है। इनका मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनका नाम कुल्फी क्यों है, ये प्लेयर से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये एक्साइटेड जो डिफरेंट नेम है ये प्लेयर्स ही बता सकते हैं कि हमारा नाम किस तरह पड़ा। जैसे छोटे विकी से हमने पूछा कि आपका नाम किस तरह पड़ा और इस बॉल को खेला है सिर्फ मैच एक रन के लिए, इसमें कंटिन्यू करते हैं और आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया अब। आपने मेरा बहुत इंटरव्यू ले लिया, मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ अब कि आप भी हॉट बॉल को तो फॉलो कर रही हैं, आपका ये पहला इवेंट टेप बॉल का है, तो आपको कैसा लग रहा है, इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ये प्लेयर्स आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एक जो सवाल, अच्छा आप टेप बॉल के हवाले से कह रहे हैं कि आगे जा सकते हैं? हाँ, टेप बॉल में ज़रूर जा सकते हैं। एक और बात मैंने बहुत नोटिस किया कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि अच्छा टेप बॉल के जो प्लेयर्स हैं वो हार्ड बॉल में जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमें नहीं बात करनी चाहिए। टेप बॉल के प्लेयर हैं वो टेप बॉल में अच्छा करें, उनको टेप बॉल में अच्छा करना चाहिए और वो कर रहे हैं अच्छा और दुनिया उनको देख रही है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। जब मैंने इन लोगों के साथ प्रमोशनल इंटरव्यूज़ किए थे हमने इस चैम्पियंस लीग के लिए, तो मुझे इन काफ़ी लड़कों से बात करने का मौका मिला था, इनके साथ टाइम गुजारने का मौका मिला था, तब मुझे पता चला कि टेप बॉल को लोग पाकिस्तान में कितना पसंद करते हैं, इतने सारे फैंस हैं इन लोगों के। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि टेप बॉल क्रिकेट जो है वो इस तरह से फॉलो की जाती है, और फॉलो क्यों की जाती है उसका जो जवाब है वो इन लड़कों ने मुझे यहाँ पे जो मैंने इनको देखा है खेलते हुए उसमें दे दिया है। क्या ज़बरदस्त खेलते हैं ये लोग। एक और चांस हो सकता है, फील्डर आए जरूर थे लेकिन बॉल गिरा नो मैंस लैंड में और काफ़ी चांसेस क्रिएट कर रहे हैं लेकिन कोई उसको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहा। जुहेब, यही मसला है, एक तो मसला ये भी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाथ में पसीना आ रहा है, बॉल भी आई थिंक बॉलर उतना ग्रिप नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है। जी बिल्कुल, अच्छी बॉलिंग करवाई है लेकिन टारगेट भी इतना 90 से कम है, हमने देखा है कि कल 124 भी चेज हुआ है तो उस हवाले से टारगेट कम है, लेकिन जो बॉलिंग अहमद कुल्फी ने करवाई है उससे तो लग ऐसे रहा है कि अच्छा, एक सरप्राइजिंग बात ये भी है कि उसी टीम ने कल चेज किया 123 और आज उन्हीं ने 83 रन स्कोर किए हैं। जी बिल्कुल, और डिफरेंट डे है, न्यू आपको exactly. पता है प्रेशर है, एलिमिनेटर है, तो डिफरेंट तो होना ही था, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे लेके चलते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह का इनिंग पहली टीम ने खेली है उसी तरह की इनिंग दूसरी टीम भी खेल रही है, ऐसा नहीं है कि लग रहा हो कि अच्छा ये शायद मैच किसी और पिच पे हो रहा है, ये इनिंग किसी और पिच पे खेली जा रही है। और इस बॉल को खेल दिया है, शॉर्ट बॉल था और इसको पुल करके पहुंचाया है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। एंड दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। और इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बड़ा ज़बरदस्त रहा है जुहेब आपके साथ बात करना, मुझे अच्छा लगा। जुहेब काफ़ी यंग हैं, अच्छे कमेंटेटर हैं, एंड नाउ बैक टू द कॉम बॉक्स। बहुत शुक्रिया इस्मा असलम और जुहेब इखलाक आपका। इस वक्त 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, RCR 32/1। Right, the chase is on. It's a very, very important match for both the teams. Jo bhi ye team jeetegi, wo eliminator 2 ke liye qualify karegi. Combox mein tabdili ho chuki hai. Mujhe join kar chuke hain sports journalist Farhan Nisar. Farhan, intense match ho raha hai is waqt and it's a match worthy of an eliminator. Is waqt batsmen kafi khamosh hain.
एग्जैक्टली दानिश, ये एलिमिनेटर का प्रेशर है क्योंकि आज जो टीम हारेगी वो घर जाएगी। और ये स्कोर शीट आप हमारी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, राइजिंग ज़ेब्रास की रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं है और ये मैच बहुत अच्छा फिनिश होने जा रहा है दानिश आज। और जिस तरह के मुकाबले की हम तवक्को कर रहे थे पहले एलिमिनेटर में, वो वैसा ही मैच हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इस वक्त हौसला तो होगा राइजिंग ज़ेब्रास को कि मुख्तियार और उमर गुज्जर क्रीज पर खड़े हैं, जब तक ये दोनों क्रीज पर खड़े हैं ना ये 18 गेंदों पर 52 रन आ सकते हैं फरहान। लेकिन ईगल आइज की कुल्फी अभी तक पिघली नहीं है और वो टॉप बॉलर बन चुके हैं, बेस्ट बॉलर की कैप हासिल कर चुके हैं वो अब्दुलरहमान और खलील से। और ऑफस्टंप से बाहर गेंद एज हुआ और ये विकेट कीपर ने छोड़ दिया, अच्छी एफर्ट थी। लेकिन आमतौर पर टेप बॉल क्रिकेट में हमें इस तरह के कैचेस नहीं दिखाई देते, बहुत ही शानदार बॉलिंग का यहाँ पर मुजाहरा और विकेट कीपिंग की एफर्ट ज़रूर अच्छी थी। बिल्कुल डाइविंग एफर्ट था हाफिज आकिब का, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विकेट्स, इट्स अबाउट स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ रन्स एज वेल। ये आसानी से चौका हो सकता था अगर हाफिज आकिब का हाथ नहीं लगता। जी ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद था, हाफिज आकिब ने फुल एंड डाइव की और जो थर्ड मैन का फील्डर है बहुत ज़्यादा अंदर रखते हैं, इस पर हम बार बार बात करते रहे हैं कि बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे थर्ड मैन या फाइनल खड़ी होती है और यहाँ फ़ायदा हो गया उस फील्डर का। मीनवाइल इस वक्त अली मौज़म चिश्ती डिसिप्लिन इन्फोर्स करते हुए। जी हाँ, अली मौज़म चिश्ती की आपने बात की, लेट इन्होंने ज्वाइन किया लेकिन इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब हुए हैं। मुल्तान टाइगर्स के लिए ये लिस्ट ए और T20s खेल चुके हैं, ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है और दानिश इनको इनकी फिजीक की वजह से क्रिकेट के हलकों में इंजी भी कहा जाता है। इज डूइंग अ गुड जॉब हियर, 17/51 दरकार, कुल्फी बॉलिंग रियली वेल। लो फुल टॉस था, स्लो था और फील्डर वहां पर मौजूद। अहमद कुल्फी की सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर उनकी फील्ड है वहीं पर ये बॉलिंग करते हैं, इसी शहर से इनका ताल्लुक है। और दानिश गुजरावाला के जहां खाने मशहूर हैं वहां इसकी जो राह वाली कैंट की कुल्फी हैं वो बहुत मशहूर हैं और शायद इसीलिए अहमद कुल्फी का नाम कुल्फी रखा गया है। क्या बात है जी, इतनी गर्मी में भी कुल्फी भरपूर जमी हुई। ठीक, इमरान नज़ीर भी आज यहाँ पर मौजूद, उनके साथ रियाज आफरीदी और हसन रजा। इमरान नज़ीर भी एक बड़े ही एनर्जेटिक स्टार थे हमारी क्रिकेट के। जी हाँ, और इमरान नज़ीर ने भी जब मुरीदके से अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया तो टेप बॉल क्रिकेट से ही इन्होंने खेलना शुरू किया। और हमारे जो थर्ड अम्पायर थे कल मुश्ताक नज़ीर, वो इमरान नज़ीर के बड़े भाई हैं। राइट, मुख्तियार काफ़ी देर से चुप हैं, परेशानी भी नज़र आ रही है उनके चेहरे पर। और इस वक्त तो ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, सर पे लगा, रन लेना चाहते थे और बहुत ही शानदार बॉलिंग अहमद कुल्फी की। और हाफिज आकिब भी दाद देने के लिए आए हैं और ये दाद इनकी बनती है। डगआउट में भी आप देख रहे हैं कि अहमद कुल्फी की तारीफें हो रही हैं। और ये हमारे स्टार प्लेयर, अगर हम दाएं तरफ से शुरू करें और जो बिल्कुल बाएं तरफ बैठे हुए ये भी हॉकी के प्लेयर हैं, कल इन्होंने मुझे बताया, नसीम राजपूत हमारे हर दिल अजीज एंकर, और उनके साथ 3 टेस्ट क्रिकेटर्स भी मौजूद थे। तारीफ बनती है यहाँ पर अहमद कुल्फी की बॉलिंग की। एक और गुड बॉलिंग अहमद, गुड बॉलिंग, जबरदस्त बाउंसर, अग्रेशन का मुजाहिरा कर रहे हैं अहमद कुल्फी और बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं मुख्तियार को यहाँ पर। 1-1 डॉट और बहुत ही उम्दा बॉलिंग, और इससे पिछला ओवर भी बहुत ही शानदार किया था। टेप बॉल क्रिकेट में इस तरह की बॉलिंग का मुजाहिरा देखने को नहीं मिलता, बहुत ही यूनिक है अहमद कुल्फी। इस मरतबा ऊंचा खेल दिया, गेंद बहुत देर हवा में रहा, दोनों फील्डर बॉल के नीचे आए हैं और ये कैच करने में कामयाब हो गए, बिल्कुल हमारे कॉम बॉक्स के नीचे साइड स्क्रीन के सामने। एक बड़ी कामयाबी यहां पर अहमद कुल्फी को हासिल हुई और अब ईगल आइज की टीम पूरी तरह इस मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी है। What a spell of cricket this is turning out to be. पहले ओवर में एक विकेट के बस एक रन दिया और अब दूसरे ओवर में 2 रन के बस एक और विकेट हासिल कर चुके हैं अहमद कुल्फी। This has to be one of the best spells in tape ball history. एक मौके पर ऐसा लग रहा था फरहान के बॉल बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी बट एलिवेशन ज़्यादा थी, डिस्टेंस नहीं हासिल कर पाए। मुख्तियार गॉन फॉर 23। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं दानिश आप। और यहाँ दानिश हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हैं बल्लेबाजों को कि वो हर बॉल को ऑन साइड पर खेलते हैं, लेकिन जो बॉल उन्होंने बिल्कुल सीधे बैट से खेला है वो कैच ही हुए हैं। इसमें भी फरहान क्रेडिट अहमद कुल्फी को जाता है क्योंकि वो बॉल को वेरी कर रहे हैं, लेंथ को भी वेरी कर रहे हैं,
और लाइन को भी वेरी कर रहे हैं, साथ साथ स्लो बॉल्स भी करा रहे हैं। इट्स एक्सेप्शनल स्टफ। ईगल आइज की वो टीम जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था इवेंट से बाहर हो गई है, कल उस टीम ने कमबैक किया। एंड आई न्यू बिफोर द डेज प्रोसीडिंग्स के ये टीम सरप्राइज फैक्टर हो सकती है, क्योंकि इसमें अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद है। फरहान जी हाँ, और क्रीज पर इनाम काला आ चुके हैं, पिछले मैचेस में भी इन्होंने कामयाबियां दिलवाई हैं अपनी टीम को, राइजिंग ज़ेब्रास को, और आज बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन यहाँ अब इनकी बल्लेबाजी का इम्तिहान होगा। अच्छा गेंद, वाइड चाहते थे बैट्समैन, लेकिन अहमद कुल्फी की एक और ज़बरदस्त बॉल, और थोड़ी नोक जोक हो रही है दोनों के दरमियान। बैट्समैन हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं దేఖియే అహ్మద్ కుల్ఫీ కో ये ऑफ स्टंप से ये बाहर गेंद था, थोड़ा सा पीछे गिरा और बीट हुए, बहुत ही उम्दा बॉल अहमद कुल्फी की। बिल्कुल, ये प्लेयर्स अभी तक समझ नहीं पाए कि अंपायर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और एक दफ़ा फैसला दे देते हैं तो फिर आप उनका फैसला चेंज नहीं कर सकते। 13 गेंदों पर अब 50 रन चाहिए, और ये टारगेट मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, और जैसे ही डॉट बॉल होती है रियाज अफरीदी के चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है, वो इस टीम के मेंटोर हैं। और ये वाइड ऑफ द क्रीज बॉल किया, फुल टॉस था लेकिन इसको ठीक से टाइम नहीं कर पाए, और फील्डर्स मौजूद होते हैं जहाँ ये बॉल करते हैं, और सजदा शुक्र अदा किया है अहमद कुल्फी ने, और यूँ 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 35 पर 2-49 चाहिए 2 ओवर्स में। उमर गुजर के साथ इनाम काला इस वक्त क्रीज पर मौजूद, अपनी टीम के लिए उम्मीदों का महबर। दूसरी जाने 5वां और 6ठा ओवर थोड़ा सा तश्वीश का बाइस रहा है यहां पर ईगल आइज के लिए फरहान, और यहीं पर हमने एक गैप देखा है। जी हां, 5वां ओवर जो है वो हमेशा से डिसाइडिंग ओवर रहा है, बहुत से मैचेस में हमने देखा 4 ओवर अच्छे किए बॉलिंग लाइन ने, लेकिन 5वें ओवर में मैच का पांसा पलट गया, तो आज देखना होगा। और अहमद कुल्फी ने 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन्स दिए हैं, बहुत ही शानदार बॉलिंग की, और अब देखते हैं कि इस ओवर में जो 5वां ओवर है जो मलिक फैसल करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छे होनहार बॉलर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं, तमाम तर जिम्मेदारी इनके कंधों पर। और यू बोल्ड कर दिया, अभी हमने फैसल की बात की, ये यॉर्कर था ब्लॉक होल में गिरा, और जो बेल्स थी वो जल पड़ी, ये इस बात का ऐलान था कि तीसरी विकेट यहाँ पर हासिल हुई है ईगल आइज को, और जो हदफ है वो अब मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। What a way to start your over, that was really good yorker, और बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाए उमर गुजर, क्रॉस जाना चाहते थे, मिस कर गए बॉल की लाइन को, गॉन फॉर 9, इट्स 35 for 3। वी आर बैक लाइव हियर एट जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला, जियो सुपर की सीनियर मैनेजमेंट यहां पर मौजूद है और जायजा ले रही है टूर्नामेंट का। इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट कर्टसी ट्रिपल ए एसोसिएट्स माखोर चैंपियंस लीग एंड जियो सुपर, जिन्होंने इस इवेंट को प्रोड्यूस किया, मिस्टर आसिफ रजा विद देम। और इस दफा एक और अच्छा गेंद यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन फील्डिंग बहुत ही जानदार है, और माजिद नए आने वाले बैट्समैन हैं, और इनको पिछले मैचेस में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। ये आपकी स्क्रीन पर माजिद इस्लामाबाद, और ये किस बात का मुतालबा कर रहे हैं अंपायर से, बहुत ही अग्रेसिव मूड में आए हैं। बिल्कुल, और माजिद इस्लामाबाद बिल्कुल खुश नहीं है, और अंपायर के साथ उनको बिल्कुल इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वो खुद भी हार्ड बॉल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको डिसिप्लिन का अंदाज़ा अच्छी तरह होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, सरवर भट्टी बड़े ही काम कंपोज अंदाज में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा सच कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती, और विकेट के दरमियान से इस बॉल को पकड़ा और थ्रो किया, शायद वो बाउंड्री की तरफ को इशारा कर रहे थे, अगर हम बाउंड्री लाइन को देख सकें, लेकिन ये बिल्कुल भी इस तरह का ये जेस्टर काबिले कबूल नहीं है इस तरह की क्रिकेट में। फरहान, यहाँ पर ईगल आइज की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने सोचा कि 5वां और 6ठा ओवर किससे कराना है, गेम प्लान अपना तब्दील किया है, मलिक फैसल को इन किया और फौरन कामयाबी हासिल की उन्होंने। जी हाँ, 5वां ओवर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा है इस इवेंट में, और मलिक फैसल ने बहुत ही उम्दा आगाज़ किया है। तीसरा बॉल करेंगे, और ये बॉल लेग साइड पर था, इसको खेला, लेकिन फील्डर मौजूद जहाँ ये शॉट खेलते हैं वहाँ पर
फील्डर होता है और जैसे ही एक रन बनता है या डॉट बॉल होती है तो ईगल आईज के डग आउट से तालियों की गूंज दिखाई देती है। माजिद इस्लामाबाद बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और बहुत एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, लेट्स सी अपनी टीम के लिए इस तरह खेल भी पाते हैं या नहीं खेल पाते। जी हाँ, एक्टिव तो हैं, अग्रेसिव भी हैं, लेकिन जो उन्हें हदफ मिला है, जो टास्क मिला है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 47 रन चाहिए और सिर्फ 9 गेंदों का खेल बाकी है। इब्तदा में हमें लग रहा था कि 84 रन का हदफ कम पड़ सकता है, लेकिन ईगल आइज के बॉलर्स ने बहुत ही उम्दा और डिसिप्लिन बॉलिंग की है और इसको लीड किया अहमद कुल्फी ने। और इस बार फिर यॉर्कर करने की कोशिश की और अच्छा गेंद, यहाँ दो फील्डर्स के दरमियान से उम्दा एफर्ट यहाँ पर अपने पाँव से रोका और एक एक गेंद पर जान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं ईगल आईज के जो फील्डर। और माजिद हर बॉल के बाद गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये? बिल्कुल, इनाम खाला उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि दूसरा रन नहीं था एंड राइटली सो फील्डर कवर करने के लिए आ गया था। अगर आप देखें फुटवर्क आपने दिखाया, उसके बाद जो दूसरा फील्डर था वो कवर करने आ गया था, तो अगर ये दूसरा रन लेते तो सुसाइडल होता। ये देखिए बड़ी अच्छी एफर्ट और उसी लम्हे दूसरे फील्डर ने बॉल को वापस भेजा और दो रन मुश्किल थे यहाँ पर, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि टारगेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और ईगल आईज के बॉलर कोई भी ख़राब गेंद करने को तैयार नहीं है। मलिक फैसल, ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको पुल करना चाहते थे, बैट के ऊपरी हिस्से में ये बॉल लगा और हाफिज आकिब ने बहुत ही आसानी से इस बॉल को पकड़ा और फिर एक रन, मुश्किल से मुश्किल बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब मुश्किल ख़त्म हो गई है क्योंकि अनटिलस नो बॉल या वाइड्स हों, एक्स्ट्राज हों, ये मैच ख़त्म हो चुका है। अगर आप 7 छक्के भी यहाँ से हासिल कर ले तो 42 रन मिलते हैं आपको और इस वक्त 7 पे 45 दरकार है। बिल्कुल सही आपने एनालिसिस किया और नो बॉल्स भी आज नहीं की यहाँ पर, बड़ी ये हमने बहुत अहम बात देखी क्योंकि पिछले मैचेस में नो बॉल्स बहुत होती रही हैं लेकिन आज कोई नो बॉल देखने में नहीं आई और अब ये नामुमकिन सा हदफ होता जा रहा है। नो बॉल्स के साथ साथ इवन वाइड्स भी ज़्यादा तादाद में हमने इस मैच में एटलीस्ट नहीं देखी ईगल आईज की जानिब से। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग एफर्ट्स आई हैव सीन। ये आखिरी गेंद, पीछे गिरा हुआ गेंद, इसको एक टांग उठाकर पुल करना चाहते थे लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद और यूं 5वें ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 40 पर 3, 44 रन चाहिए आखिरी ओवर में। चवालीस रन दरकार, सिर्फ 6 बॉल्स बाकी। Rising Zebras chasing 84 to win this crucial match. शिकस्त की सूरत में उनको घर वापस लौटना होगा और Eagle Eyes की टीम दूसरे एलिमिनेटर में क्वालिफाई करेगी। जी, रेड कैप पहने हुए हैं अहमद कुल्फी, लीडिंग विकेट टेकर हैं और क्या कितनी तारीफ करें इनकी फरहान अहमद। बिल्कुल, ये इनके एनालिसिस, ये बिल्कुल यकीन करने को जी नहीं मानता कि टेप बॉल क्रिकेट में कोई बॉलर 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन्स दे सकता है। बहुत ही उम्दा बॉलिंग यहाँ पर, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है अहमद कुल्फी के। आखिरी ओवर का आगाज़, पीछे गिरा हुआ गेंद, माजिद ने इसको पुल किया, बाहर गया और उनके डग आउट में भी बिल्कुल खामोशी रही क्योंकि 6 रन ज़रूर दिए अली मौज़म ने लेकिन अब जो है पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। यहाँ ईगल आईज ये मैच हार नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस वो खुद हारना चाहें। दिस 6 वाज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स। विकेट के क्रीज से काफी पीछे से ये बॉल किया था लेकिन इसको कनेक्ट किया माजिद ने, लेकिन अब देर हो चुकी है। अगला गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और गिर गए, नो बॉल भी था और अगर नो बॉल ना होता तो यकीनन अंपायर अली मौज़म इसको वाइड करार देते। मेहरान से यहाँ पर उनके कप्तान को बात करने की जरूरत है, उनको जान लगाने की जरूरत नहीं है। ओवर में 6 छक्के पड़ते हैं, कोई मसला नहीं है। दे नीड टू कीप द गोल इन माइंड कि गोल है एलिमिनेटेड 2 में जाना और अगले मैच में यकीनन इनको मौका मिलेगा और अगले मैच में ये अपने तमाम तर जो दाव पेच हैं वो आजमा सकते हैं। यहाँ पर इन्हें सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल करना है, वाइड और नो बॉल नहीं करना ताकि इनकी टीम आसानी से अगले एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर जाए। व्हाट अ कमबैक दिस हैज बीन बाय ईगल आईज। मेहरान सावल के अगला गेंद था, बाहर था, वाइट बॉल का सिग्नल और हाफिज आकिब खुश नहीं है, सीनियर प्लेयर हैं इस टीम के और वही समझा रहे हैं कि लाइन और लेंथ अपनी बरकरार रखें, रन्स को बचाएं। ठीक, अभी भी 5 गेंदों पर 36 रन दरकार, अनलेस यहां पर मेहरान 6 और वाइड्स कर दें और 5 छक्के लग जाएं
उनकी टीम ये मैच नहीं हार सकती. वी आर सीइंग इट अगेन एंड अगेन, दिस इज देयर मैच टू लूज. दे हैव ऑलरेडी वन हियर फ्रॉम वेयर आई सी इट. बिल्कुल खुर्रम चकवाल की ये टीम और सावल बॉल करेंगे. अच्छा गेंद था, बीट हुए और विकेटों के पीछे ये बॉल स्विंग होता हुआ वापस गया हाफिज आकिब के हाथों में. और यूं माजिद जो हैं बस एक छक्का लगा चुके हैं, काफ़ी है इनके लिए. वी अंडरस्टैंड माजिद फ्रस्ट्रेशन, लेकिन हर बार आप अंपायर को क्वेश्चन ना करें तो बेहतर है. आप एक एग्जांपल भी सेट कर रहे हैं. ऑल्दो इस पूरे टूर्नामेंट में हमने बड़ा अच्छा स्पिरिट देखा है, हमने बड़े चस्के देखे हैं टेप बॉल क्रिकेट के, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हुई देखी हैं, प्लेयर्स के आपस में झगड़े भी देखे हैं एक ही टीम के प्लेयर्स के. और स्टम्प्स माइक से हमने काफ़ी मज़े की गुफ्तगू भी सुनी है. और ये आगे गिरा हुआ गेंद बीट हुए बिल्कुल विकटों के पास से होता हुआ इन स्विंग था हवा में, ये गेंद जो है स्विंग हुआ और माजिद की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल, और ये टीम की फ्रस्ट्रेशन भी आपके सामने है. और ये टीम अब वापसी की जो राह पकड़ेगी और ईगल आइज खेलेगी अगला मैच. कोई बात नहीं उमर गुज्जर, आपको मुंह फेरने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्टेज तक आए हैं, ये आपकी कामयाबी है, अगले साल भी आपको मौका मिलेगा. सावल का अगला गेंद, इसको कनेक्ट किया, ऊंचा शॉट खेला और अली मौजम का सिग्नल 6 रन्स. लेकिन खामोशी है, ग्राउंड में भी खामोशी है, वो दाद नहीं मिल सकी माजिद को जो छक्कों पर खिलाड़ियों को मिलती है. Another six brought to you by Triple A Associates. अच्छा शॉट था माजिद इस्लामाबाद का, ये पहली बार हम इस टूर्नामेंट में इनको एक्शन में देख रहे हैं. मेहरान यर अगेन, ये पीछे गिरा हुआ गेंद था और बहुत ही जोर से खेला और बहुत दूर जाएगा ये बॉल, और एक बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे. और ये दूसरा मुसलसल छक्का इस ओवर में, तीसरा छक्का, लेकिन 24 रन चाहिए दानिश आखिरी बॉल पर. What a comeback this has been. ज़बरदस्त कमबैक किया है. एक टाइम पर खुर्रम चकवाल पर बड़ा प्रेशर था, मुलाहिज़ा कीजिए एक और पुल शॉट माजिद इस्लामाबाद का. दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स. तारीफ तो बनती है ईगल आइज़ की. जी हाँ, आखिरी गेंद इस मैच का और ये पीछे गिरा हुआ गेंद, ऊंचा खेला, बहुत देर ये बॉल हवा में रहेगा, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर आए, इसको पकड़ नहीं सके. लेकिन इनसे कोई सरजनिश नहीं होगी क्योंकि इनकी टीम ये मैच जीत चुकी है. एक और छक्का मुसलसल, ये तीसरा छक्का, लेकिन ईगल आइज़ की टीम बआसानी इस मैच में फतह हासिल कर चुकी है. राइट, राइजिंग ज़ेब्रास के प्लेयर्स अभी भी आपस में तकरार कर रहे हैं. एक और छक्का ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स. दिस मेक्स मी आस्क द क्वेश्चन फरहान, के क्या माजिद को थोड़ा और जल्दी नहीं आना चाहिए था, क्या उनको ऊपर भेजा जा सकता था? बट कोई फ़ायदा है नहीं इस डिस्कशन का. अब हमें बात करनी है इस सेलिब्रेशन की, इस लड़के की जो आपके सामने लाल टोपी पहना खड़ा है, इसका नाम है अहमद कुल्फी. बिल्कुल यही लड़का मैन ऑफ द मोमेंट है, अपने शहर में खेल रहा है, अपने दोस्तों के सामने और पूरी दुनिया को उसने अपना टैलेंट दिखा दिया है लाल टोपी में. और ये खतरे की लाल झंडी बन चुका है बैट्समैनों के लिए. और ईगल आइज की टीम जश्न मनाती हुई अपनी कामयाबी का, और ज़ेब्रास को घर जाना पड़ेगा. इवन दो ईगल आइज को अभी एलिमिनेटर 2 खेलना है और उनके सामने एक बहुत ही मंची हुई, बहुत ही टैलेंट से लोडेड टीम केपीके टाइगर्स मौजूद है. लेकिन ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए ही सही फरहान, कि अगर फाइनल में इनका टाकरा होता है स्ट्राइकिंग पैंथर्स से तो क्या होगा? स्कोर कार्ड आपके सामने, मुख्तियार 23 रन बनाने में कामयाब हुए जबकि माजिद इस्लामाबाद ने आखिर में आकर 9 गेंदों पर 27 रन स्कोर किए और 5 एक्स्ट्रा थे सिर्फ. हमने इस टूर्नामेंट में काफ़ी सारे एक्स्ट्राज होते हुए देखे हैं, बट बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन का मुजाहरा किया आज ईगल आइज ने. जी हाँ, और ये बॉलिंग कार्ड है, जल्लाद खान ने 2 ओवर्स में 30 रन्स दिए, मलिक फैसल ने 1 ओवर में 5, मेहरान ने 26, लेकिन जो दूसरे नंबर पर नाम है अहमद कुल्फी, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 4 रन्स, 2 विकेट्स, 2 का इकोनॉमी रेट, और ये ऐसा मंजर हम टेप बॉल क्रिकेट में नहीं देखते. और यूं ये मैच समरी आपके सामने, ईगल आइज ने पहले बैटिंग करते हुए 83 रन्स बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर, अकबर पौली के 44 रन्स, अफरोज खोसो ने 2 विकेटें हासिल की और राइजिंग ज़ेब्रास की टीम सिर्फ 66 रन्स ही बना पाई. माजिद इस्लामाबाद ने 27 रन्स की नकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली, मुख्तियार ने 23 रन्स बनाए और अहमद कुल्फी ने 2 विकेटें हासिल की 4 रन्स देकर. और यूं ईगल आइज की टीम ने 17 रन से कामयाबी हासिल करते हुए एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया.